दोस्तों हनुमानगढ़ से गंगानगर के लिए चले थे दोस्तों, तो रास्ते में एक सीन हो गया है दोस्तों। हमारी गाड़ी है जो ठुक चुकी है और ठुक गई है ये गोदे के अंदर यानी कि बैल के अंदर, और दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है दोस्तों। और गाड़ी की जो हालत है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, सामने से टूट गए हैं बम्पर वम्पर पैनल वैनल सब, और एक साइड की जो डोर है उसके अंदर दिक्कत आ गई है। तो हमने अभी कॉल किया एजेंसी के अंदर, तो वो बोल रहे हैं कि आप गाड़ी वहीं पे खड़ी रखिए और हम अपने सर्वेयर को भेजेंगे और आपकी गाड़ी वहाँ से वो देखेगा, उसके बाद में जो बीमे का जो प्रोसेस रहता है, जो इंश्योरेंस का रहता है वो होगा दोस्तों। तो हम अभी वेट कर रहे हैं उनका कब आएंगे, और मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ कि गाड़ी का क्या हाल हो चुका है दोस्तों। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो दोस्तों, गाड़ी का हमारी का ये हाल हो चुका है। यहाँ से सामने की ग्रिल बाहर निकल गई है, यहाँ पे बैल आके यहाँ पे वो टकरा गया था, और नीचे का जो बम्पर है देखो दोस्तों टूट चुका है सब, और नीचे भी देखो दोस्तों ये भी टूट चुका है। और दोस्तों गाड़ी की हालत हो गई है इस तरह आप देख सकते हैं। तो हम अभी वेट कर रहे हैं सर्वेयर का जो आएगा, और मुझे काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे खड़े हुए। ये जो गाड़ी का डोर है ये खुलने में भी दिक्कत आ रही है, ये देखिए इस तरह की आवाज़ आ रही है इसमें। और दोस्तों देख सकते हैं आप, जो फ्रंट की साइड है वो एक तरह से मानिए तो पैनल से लेके नीचे बम्पर तक पूरी ख़त्म हो चुकी है, यानी टूट चुका है। बीच की ग्रिल है जो निकल के बाहर आ गई थी रोड पे दोस्तों, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये रही ये ग्रिल, मैंने अंदर रखी, अंदर इसलिए रखी कि रोड से साइड में किया मैंने, गाड़ी रोड के साइड में खड़ी की। यहाँ से थोड़ा पीछे एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ये टूट गया हमारा गाड़ी का जो बम्पर वम्पर था, ये देख सकते हैं। यहाँ से गाय इस तरफ से गाय आई, और दोस्तों मैं इधर से जा रहा था, सामने से ट्रक आने की वजह से मैं ओवरटेक नहीं कर पाया और उसके साथ में गाड़ी भिड़ गई। और दोस्तों ये एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए आप सामने देख सकते हैं तो पशु वगैरह, ये एरिया ऐसा है। और दोस्तों जो भी ड्राइवर भाई हैं ध्यान से सेफ्टी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि रोड के ऊपर ये जो लावारिस पशु है कब बीच में आ जाएं और क्या हो जाए कुछ नहीं पता दोस्तों। देखो मैं किस काम के लिए जा रहा था और रास्ते में ये दिक्कत होगी, हमें अपनी गाड़ी की सर्विस भी करानी थी दोस्तों। तो देख सकते हैं आप ये कंडीशन हो चुकी है। अभी हम वेट कर रहे हैं सर्वेयर का, जब वो आएंगे गाड़ी का सर्वे करेंगे उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, तो सारी डिटेल हम आपके साथ में शेयर करेंगे वो आने के बाद में क्या होता है। तो अभी वेट करते हैं और जुड़ी रही है हमारे साथ में और देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों सर्वेयर आया और वो स्पॉट सर्वे करके चला गया, तो अभी हम क्या है कि गाड़ी एजेंसी लेके चलेंगे। सर्वे हो गया गाड़ी का, उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल करवा ली हैं दोस्तों, अब हम गाड़ी लेके निकलते हैं कंपनी की तरफ दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे कंपनी में, वहाँ पे देखते हैं क्या एस्टीमेट बना है इसका, कितना नुकसान हुआ और क्या कुछ क्लेम मिलेगा वो हमें एजेंसी में जाके पता चलेगा। तो मैं गाड़ी एजेंसी में लेके जा रहा हूँ, चलिए दोस्तों चलते हैं। तो भैया हम आ चुके हैं एजेंसी के अंदर और गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है, तो गाड़ी मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, और इसके पार्ट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये आगे ऑर्डर लगाएंगे, एक दो दिन में ये पार्ट्स वगैरह आएंगे और
ये तैयार होगी तब हमें ये कॉल करेंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई है वो हम सुबह करेंगे यहाँ पे आके, और बाकी की जो प्रोसेसिंग रहेगी वो आगे आपको दिखाते रहेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं अभी घर। तो फाइनली दोस्तों, हमारी गाड़ी का जो इंस्पेक्शन वगैरह है, जो इंश्योरेंस क्लेम का था, वो क्लियर हो गया है, और अभी 4-5 दिन लगेंगे गाड़ी को रिपेयर होने में। जो उसके पार्ट्स वगैरह सामने के डैमेज हो गए थे, वो आने के बाद में गाड़ी तैयार हो जाएगी और हमको कॉल आएगा, तब हम दोबारा अपनी गाड़ी रोड पे लेके जाएंगे, और आगे की जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपके साथ में शेयर करते रहेंगे दोस्तों। तो सेफ़ चलें आप भी रोड पे, सबसे गुजारिश है। तो मिलते हैं आपके साथ में एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए सलाम।